हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट है। आज 30 दिसंबर 2018 वार रविवार। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप सभी ने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी पर हमें फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड वाराणसी एंड गाजीपुर इन उत्तर प्रदेश। ड्यूरिंग द विजिट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेडिकल कॉलेज इन गाजीपुर इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। द पीएम आल्सो डेडिकेटेड द 6 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर ISARC टू द नेशन। द इंस्टीट्यूट इज बिल्ट एट द कैंपस ऑफ नेशनल सीट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर NSRTC इन वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी और गाजीपुर का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। उन्होंने वाराणसी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों का भी जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6th अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC को भी राष्ट्र को समर्पित किया। संस्थान वाराणसी में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र NSRTC के परिसर में बनाया गया है। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑप्शंस पोस्को एक्ट 2012। द चेंज प्रेस्क्राइब स्ट्रेंथ पनिशमेंट इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसुलेंट ऑफ चिल्ड्रन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस बदलाव में कठोर सजाएं हैं। इन प्रवर्तनों में बच्चों के साथ उत्तेजनात्मक यौनाचार करने पर मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट, द 42nd इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस वाज इनोग्रेटेड बाय मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला एट KIIT यूनिवर्सिटी कैंपस इन भुवनेश्वर ओडिशा। द थीम ऑफ द कांग्रेस वाज ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। ओडिशा के भुवनेश्वर में KIIT विश्वविद्यालय परिसर में 42वें भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुल्ला द्वारा किया गया। कांग्रेस का विषय है ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन। केंद्र सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया था कि यह निर्णय गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत लिया गया था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ए 33-year-old मैन कॉलिन ओब्रेडी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट ए सोलो ट्रैक अक्रॉस अंटार्कटिका विदाउट एनी असिस्टेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक 33 वर्षीय व्यक्ति कॉलिन ओब्रेडी बिना किसी सहायता के अंटार्कटिका में एकल ट्रैक पूरा करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। नेक्स्ट, बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार।
इंडियाज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट माइक्रो फाइनेंस वुड गेट ए बूस्ट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग ए प्रपोजल टू डिग इन एन एग्जिस्टिंग 1000 करोड़ रुपीज कॉर्प्स फॉर फंडिंग माइक्रो लेंडर्स। भारत के माइक्रो फाइनेंस का समर्थन करने के लिए भारत के संस्थागत ढांचे को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा माइक्रो लेंडरों के वित्त पोषण के लिए मौजूदा 1000 करोड़ रुपए के कोष में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाटा फर्निश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिटवीन 2050 एंड 2070 प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक पेनलाइज्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर डिफ्रॉडिंग बैंक असेस्ड इन द लास्ट 3 ईयर आउट ऑफ 60 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2015 और 2017 के बीच प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने भारत में कार्यरत 60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से पिछले 3 वर्षों में बैंक की संपत्ति को धोखा देने के लिए सबसे अधिक कर्मचारियों को दंडित किया है। नेक्स्ट, स्टेट ओन्ड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इन्फ्यूज 2159 करोड़ रुपीज़ इन द बैंक एज पार्ट ऑफ 28,615 करोड़ रुपीज़ कैपिटल इन्फ्यूजन टू बी डन इन अबाउट हाफ ए डजन बैंक्स। राज्य के स्वामित्व वाले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि सरकार ने बैंक में 2,159 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है। यह लगभग आधा दर्जन बैंकों में किए गए 28,615 करोड़ रुपये के पूंजीगत वित्त पोषण के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI विल कैप्चर द पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन 6 सिटीज मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। फॉर द पर्पज द सेंट्रल बैंक हैज लॉन्च्ड ए सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स SRPHI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 6 शहरों मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई बेंगलुरु गुवाहाटी में व्यक्तियों के भुगतान की आदतों को कैप्चर करेगा। इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों के खुदरा भुगतान की आदतों पर सर्वेक्षण SRPHI शुरू किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज अवार्ड्स पुरस्कार, क्रोएटिया कैप्टन लुका मॉड्रिक वाज नेम्ड बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर बिकमिंग ओनली द सेकंड सोसर प्लेयर टू स्कूप द प्राइज आफ्टर बुल्गारियाज फॉर्मर यूरोपियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर हरिस्टो स्टोकियो इन 1994। क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिक को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह 1994 में बुल्गारिया के पूर्व यूरोपीय फुटबॉलर ऑफ द ईयर हिस्टो स्टोकोव के बाद पुरस्कार जीतने वाले दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि करंट अफेयर्स और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी क्वेरी जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में डालें और साथ ही साथ UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।